एक क्वेश्चन है इन्हां दा कि टीजीटी हिंदी के लिए टीईटी में लैंग्वेज कैसे चूज करेंगे, प्लीज गाइड। मैं ये बता दूं कि जो टीईटी आपने लिखा है, जैसे पीछे बता के आया हूं कि टीईटी दो हो गया, एक तो टीईटी, एक तो पंजाब स्टेट आपके लिए पीएसटेट हो गया और दूसरा सेंटर का सीटेट हो गया। तो पंजाब स्टेट का जो टीईटी है उसमें लैंग्वेज एल लिखने लगा हूँ, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू होती है। पेपर टू की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, पेपर टू, क्योंकि बीएड वाले अभी उसी पर फोकस करेंगे ना, पेपर वन की बाद में बात कर लेंगे। तो ये हो गया आपका पेपर वन, पेपर ये नॉर्मली पंजाबी होगी और ये इंग्लिश होगी। पंजाब में हिंदी के लिए ऑप्शन नहीं है, जबकि सी टेट में आपको 21 लैंग्वेज की ऑप्शन दी जाएगी। उसमें आपकी स्टेट लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पंजाबी है, स्टेट लैंग्वेज का सारी सभी हैं, एक हिंदी होती है और संस्कृत भी है और प्लस आपकी इंग्लिश होगी नॉर्मली। इसलिए मैंने तीन लिखी है, 21 में से तीन लैंग्वेज ही चूज करते हैं हर स्टेट अपनी, जैसे पंजाब पंजाबी करेंगे तो वहाँ आपके लिए ऑप्शन है कि आपके 30 क्वेश्चन जो आने हैं वो हिंदी में आए, यहाँ पे हिंदी में कंफर्टेबल हो, लेकिन पंजाब का टेट जो देना है वहाँ पर आपको पंजाबी से गुजर के ही जाना पड़ेगा। दैट इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। आपको अगर पंजाब स्टेट में, पंजाब में गवर्नमेंट आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, देन आपको इतना इजी, सबसे इजी पंजाबी होती है टेट में। टेट क्लियर होने का कारण पंजाबी ही होता है मोस्टली। और सबसे डिफिकल्ट एरिया जो होता है आपका, जो मेन स्ट्रीम है, सोशल साइंस है, मैथ्स एंड लैंग्वेज है, वो अप डाउन आपको लेके जाते हैं। बाकी सीडीपी की फुल तैयारी मैंने करवानी है, लैंग्वेज वन की टू की तैयारी साथ साथ में करेंगे और पैडागोजी की तैयारी सबसे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि एसएसटी जो स्ट्रीम लोगे उसमें 15 से जो 20 क्वेश्चन है लगभग, ये पैडागोजी के उसी में से होंगे। और बाकी लैंग्वेज इसमें भी पैडागोजी, जो पैडागोजी है इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, जैसे ये वो है सोशल साइंस, साइंस है ना, फिजिकल एजुकेशन, 60 क्वेश्चन में से इतने यहाँ लैंग्वेज में पैडागोजी, L1 में पैडागोजी। ये बात आप समझ लो, आपके लिए इजी क्यों है, मैं बाद में क्यों ये बोंग बोंग कर रहा हूँ कि ये जो आपने पंजाबी ग्रामर नहीं, लगभग होती जो आपकी एंट्रेंस टेस्ट में ग्रामर थी वो ग्रामर यहाँ नहीं होगी, ग्रामर होगी, ग्रामर के मैक्सिमम 2 3 4 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, ग्रामर की नॉलेज काम आती है, वो 15 क्वेश्चन तो आपके पैडागोजी के होने हैं कि लैंग्वेज कैसे टीच करनी है, और लैंग्वेज टीच जैसे पंजाबी करनी है वैसे ही हिंदी करनी है, वैसे ही इंग्लिश करनी है, लैंग्वेज टीचिंग का वो कॉमन एस्पेक्ट है। हाँ अच्छा, दो ये हो गया और दो पैराग्राफ हो गए 15 मार्क्स के, तो 15 मार्क्स के पैराग्राफ में से एक में से 8 क्वेश्चन ये हो गए, एक में से 7 क्वेश्चन हो गए, इन 7 क्वेश्चन में से शायद एक इधर दो ग्रामर के होंगे जो जहां पंजाबी की जरूरत आपको पड़ेगी, वो भी इजी ही होते हैं पंजाबी में। तो ये देखिए, आप आपके लिए ये उलझन की बात नहीं है कि आप पंजाबी आपके लिए रुकावट बनेगी, क्योंकि पैराग्राफ है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके वो सॉल्व, पंजाबी का इजी होता है, इंग्लिश का डिफिकल्ट होता है ना। लैंग्वेज चूज करना ही का मतलब है आप लैंग्वेज अच्छे से चूज करते, गाइडेंस लेके करते हो, 3 4 मार्क्स आपने टेट में ऐसे ही बढ़ा लिए, 3 मार्क्स 4 मार्क्स है ना, फर्स्ट चॉइस किसकी लेनी है, सीटेट में ये ज्यादा जरूरी है। यहां पर 15 मार्क्स पैराग्राफ के हैं, 15 मार्क्स पैडागोजी के हैं, उस लैंग्वेज का पर्टिकुलर का इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं है, दैट इज वाई इसको हैवी मत समझिए, थोड़ी सी मेहनत करके ये निकल जाएगा। हाँ, सीटेट में आपके पास ऑप्शन है। थैंक यू, दिस इज अबाउट लैंग्वेज।